नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस एंड थ्योरी। ये हमारे चैनल का नाम है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम आपको बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर धातुओं को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी मानक इलेक्ट्रोड विभव पर धातुओं को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर धातुओं को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी को देख ले किस प्रकार बनाया जाएगा, देख लीजिए। देखिए ये हमारे हैं धातु, यानी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव पर रखे जाते हैं। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, स्क्रैंडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और जिडन यानी जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कापर, पारा यानी Hg यानी मर्क्यूरस, Ag, Pt यानी प्लेटिनम और Au। अब ये देखिए ये हमारे क्या है इलेक्ट्रोड विभव। अब इनको हमें याद करने तरीका आज हमको बता देंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसको इसको किस प्रकार याद किया जाता है। देख लीजिए ट्रिक होता है, जैसे एक क्रम में हम इसको याद करेंगे तो याद नहीं होगा, तो इसको हम अलग तरीके बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ दो दो यानी छह तत्व एक लाइन में ले लेंगे, यहाँ हमारे तत्वों की संख्या कम है इसलिए यहाँ हमने पांच ही किया है। अब देखिए सभी तत्वों को दो दो के साथ में जोड़ दीजिए, जैसे ये दो हमारे हो गए तत्व, ये हमारे हो गए, ये दो हो गए, ये दो तत्व, ये दो तत्व, ये दो, यानी दो दो का हम इसमें ये ग्रुप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ ये अकेला रहेगा, इसको अलग ग्रुप में लेंगे। अब इसको याद करने तरीका नहीं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इस प्रकार यदि याद करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। तो इसको याद करने की तरीका आज आपको हम बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित तत्वों को किस प्रकार याद किया जाएगा। देखिए LI लिखा है, LI मतलब जो समझिए लिंक, BASR यानी बासर, लिंक बासर, काना, CA यानी काना, MgAl यानी मंगल, MnZn यानी मंजन, CrFe यानी करफी, CdCO यानी कडको, NiSn यानी निसन, Pb और NH यानी हाइड्रोजन पबह, CuHg यानी कुचज, AgPt यानी अजपट और Au अजपट Au। यानी हमारे कहने मतलब ये है कि जो ये हमारे तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
इनको इस रूप में याद करेंगे तो नहीं याद होगा। हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग दो दो का ग्रुप बना लेंगे, उसको अलग अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारा ट्रिक है यानी एलआई के लिंक, तो इसको इस प्रकार याद करें, लिंक बासर काना मगल मंजन करपी कटको नीसन पबा कुछ अजपट यही, यानी ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गए। अब देखिए इसको किया क्यों जाता है, यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। इनका उपयोग क्या किया जाता है कि जो प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं उनमें इनका अधिकतर उपयोग किया जाता है। इन्हीं के अनुसार हम इनको देख लेते हैं कि कौन कैसे हो गया है। अब देखिए जैसे मान लिया है कोई रिएक्शन देख लिया जाएगा तो उसके अनुसार भी हम समझ सकते हैं। ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस CO गिव्स आउट, ये हो जाएगा CuSO4 प्लस Zn, यानी ये जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट में, क्योंकि Zn हाइड्रोजन से ऊपर है और ये कॉपर नीचे है, तो इसीलिए ये इसको विस्थापित कर देता है। तो यही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज या कुछ भी कह लिया जाए ये हैं। तो आप समझ लीजिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रो विभव पर धातुओं के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत ये निम्न तत्व तो आते हैं। अब इनको हमने याद करने का तरीका बता दिया, लिंग बासर काना मगल मंजन या मंगल मंजन करफी कटको नीसन पबा कुछ झटपट एयू। हमारे इस चैनल को देखिए अंत तक और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।